जिले कितने मुश्किल। कान्हा जी का स्नान नहीं करनी। नहीं नहीं शीशा भी दिखाते हैं। कैसे लग रहे हो आप? ये भी कान्हा ही है, वो भी पंचमुखी हाथ की वजह सर मिल गया। अरे हम लोग तो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं ना। जय श्री कृष्णा फैंस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे है ना। तो सबसे पहले आप सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है वरुथनी एकादशी, विष्णु भगवान जी का दिन होता है, कृष्ण जी का दिन होता है, कान्हा जी का दिन होता है। और आज के दिन हम जो है कि विष्णु भगवान के वाराह रूप की पूजा करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको अपने कान्हा जी के दर्शन करा देती हूँ। और मैं नहा धोहा के तो फ्रेश हो गई हूँ, अब मैं पूजा में जा रही थी तो मैंने अभी कानों को नहीं उठाया था, अब कानों को उठाती हूँ तो दिखाती हूँ आपको कान्हा जी को। हमारे कान्हा जी तो अभी नुन्नू कर रहे हैं। नुन्नू कर ले नुन्नू। तो चलो उठ जाओ भाई कान्हा जी। तो हम कान्हा जी को उठाते हैं, तो कान्हा जी को हम घंटी बजा के उठाते हैं। राधे राधे, कान्हा जी उठ जाओ, हमारे लल्ला जी उठी उठी जाएंगे। नुन्नू जी उठ उठ जाओ उठ उठ जाओ। अरे उठने का मन नहीं होला भाई कान्हा का। देखो जिला कितने मुस्करा रहे, उठ गए। अले आ तो बड़े कुची कुची लग रहे, कुची कुची लग रहे हमारे कान्हा जी। चलो नहीं नहीं रोई रोई करनी है, नहीं नहीं करना। पहले हम नहीं नहीं कराएंगे अपने कान्हा जी को, उसके बाद हम कान्हा जी को दूध देंगे, प्रसाद देंगे, ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा में, तो चलिए भाई कान्हा जी को भी हम पूजा में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर जाके हम कान्हा जी का स्नान ध्यान कराएंगे और उसके बाद ही मैं कानों को दूध दूंगी। तो देखिए कान्हा जी, ओ कितना उजाला हो गया है, देखो चले देखो। तो हम जा रहे हैं कान्हा जी के साथ में पूजा में, कि हम आ गए हैं अपनी पूजा में। तो यहाँ पे है हमारी पूजा, मैंने आपको बताया था अपना पूजा का नया स्थान। तो अभी मैंने यहाँ पे पोछा मारा है, अभी आसन नहीं बिछाया है, साफ सफाई की है। तो कानों को हम अभी यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद हम कान्हा का स्नान कराते हैं। आसन लगा दिया है माता रानी का। चलिए पहले मैं कान्हा को स्नान करवा देती हूँ। सबसे पहले हम अपने छोटे से कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। नहीं नहीं करनी, नहीं नहीं। आज एकादशी है तो एकादशी पे मैं कान्हा जी को चंदन का है स्नान कराती हूँ। हम चाहे तो गुलाब जल से, गुलाब के पत्ते रात भर भिगा के, गुलाब के फूलों से या दही से भी कान्हा जी का स्नान करा सकते हैं। कान्हा जी ने स्नान कर लिया और अब मैं कान्हा जी को पहना रही हूँ ये वाली ड्रेस। श्रृंगार भी कर दिया है हमने। देखो हमारे छोटे से लल्ला कितने सुंदर, कितने क्यूट से लग रहे हैं। और ये है मेरे कान्हा जी, और अब मैं इनका स्नान ध्यान कराऊंगी, अपने कान्हा का स्नान ध्यान कराऊंगी, है ना कान्हा। तो आज बहुत काम है मेरे लिए, एकादशी के दिन हो जाता है थोड़ा ज्यादा काम। अखंड दिया हम जलाएंगे आज के दिन, ठीक है। और पीली चीजों को हम लोग भोग लगाएंगे, पीले कपड़े पहनाएंगे कान्हा को, ठीक है, विष्णु भगवान जी को। तो चलिए अब मैं पहले कान्हा जी का स्नान करवा देती हूँ। कान्हा जी बैठ गए हैं स्नान करने के लिए। ओके, हम करा रहे हैं चंदन से कान्हा जी का स्नान। तो आज है वरुथनी एकादशी और इसमें हम लोग नारायण भगवान के वराह रूप की पूजा करते हैं। आज हम कान्हा जी को पीले ही कपड़े पहनाएंगे। राधे राधे। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी ने स्नान ध्यान कर दिया है और कान्हा जी नीचे खिसक रहे। भाई क्यों खिसक ले आप नीचे? तो आज मैं कान्हा जी को ये वाली ड्रेस पहना रही हूँ, पीले रंग की कान्हा को, है ना कान्हा। ये वाली ड्रेस कान्हा ने खुद सेलेक्ट किया, मैंने दूसरी निकाली थी लेकिन कान्हा ने उसको नहीं पहना तो फिर मुझे ये वाली निकालनी पड़ी। ये मेरे कान्हा जी को हमने वस्त्र तो पहना दिए हैं और मैं कान्हा जी का करूंगी श्रृंगार। ये तो सबसे पहले हम कान्हा जी के कपड़ों पे लगा रहे हैं इत्र, और इत्र के हम मालिश भी कर सकते हैं। अब गर्मी आ गई तो अब मैं कर लेती हूँ, पर मैंने सर्दियों में नहीं की क्योंकि सर्दियों में ठंडा होता था ना। तो कान्हा जी को हम लगा लेते हैं टीका चंदन का। ये देखिए ऐचे और ऐचे, कान्हा को ये वाला टीका बड़ा पसंद आता है इसलिए हम ये वाला टीका ज्यादा लगाते हैं कान्हा का। ये देखिए तो हमारे कान्हा जी बड़े खुश हो जाते हैं जब हम श्रृंगार करते हैं अपने लल्ला का ना। और यहाँ पे भी हम कान्हा का टीका लगाते हैं, सुंदर सा श्रृंगार करेंगे हम अपने कान्हा जी का। तो यह है कान्हा जी की बांसुरी, कान्हा का मोरपंख। तो कान्हा को अभी हम माला भी पहना देते हैं। अब बन गए हमारे कान्हा, देखो कितने अच्छे कितने क्यूट क्यूट कान्हा बन गए मेरे। अरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कान्हा जी। यहाँ पे हमारे बड़े वाले कान्हा बैठे हैं, बड़े मंद मंद, ये भी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। देखो लल्ला जी हमारे बड़े प्यारे लग रहे हैं, नजर मत लगाना हमारे सुंदर को। हाँ हमारे कान्हा जी का श्रृंगार हो गया ना। तो ये मेरे हाथ में शीशा है, उसके बाद लास्ट में हम अपने कान्हा को शीशा भी दिखाते हैं। कैसे लग रहे हो आप कैसे लग रहे हो कान्हा जी? देखो देखो जरा, देखो जरा कान्हा कैसे देख रहे हैं अपने को। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये देखो कैसे देख ले कान्हा जी कैसे देख ले अपने को। कहते हैं ना हरी और हर का जब मिलन होता है ना तो सृष्टि बदल जाती है।
तो यहाँ पे है हमारे भोलेनाथ जी, तो पहले मैं उनका भी स्नान कराऊंगी। और एकादशी के दिन अगर हम नारायण जी का स्मरण करते हैं तो भोलेनाथ जी का भी स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो यह है मेरे भोलेनाथ जी, और अभी मैं भोलेनाथ जी को लगा रही हूँ चंदन। आज चावल हम नहीं चढ़ाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और आज एकादशी है, तो आज की एकादशी में हल्दी का बहुत महत्व होता है, हल्दी का हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो भोलेनाथ जी को भी हम हल्दी चढ़ाएंगे, साथ में अपने कानों को भी हम हल्दी का टीका लगाएंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया कान्हा जी को हल्दी का टीका। सोना सुंदर लक्ष्मी ने देखो चॉकलेट देकर तो आया और चॉकलेट रख के चले गए कान्हा जी के सामने। कान्हा जी का पूरा मुंह ढक दिया उन्होंने। तो ये देखिए नक्शू ने अभी चॉकलेट लाई और कान्हा को चॉकलेट भी खिला दी, है ना कान्हा। और ये है मेरे भोलेनाथ जी का वस्त्र, भोलेनाथ जी को भी वस्त्र चढ़ा दिया है। ये हमारे कान्हा जी देखो तैयार हो चुके हैं और नक्शू ने आते ही उनको चॉकलेट भी खिला दी। तो सबसे पहले कान्हा ने आज चॉकलेट मांगी है। देखिए हमारे जगन्नाथ जी का भी स्नान ध्यान श्रृंगार हो गया है, शालिग्राम जी का। पता नहीं मेरे मुँह में इनके लिए जगन्नाथ ही आता है, तो शायद ही मेरे जगन्नाथ जी होंगे। तो ये हमारे बद्रीनाथ भगवान जी हैं। ये देखिए नारायण जी का भी हमने स्नान ध्यान करा दिया है। श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। ये है शंख, और शंख तो जरूरी होता है पूजा में। ये तो अब मैं दिया जला रही हूँ नारायण जी के लिए, तो मैं अखंड दिया जलाऊंगी आज के दिन, और बाकी दो दिए मेरे हमेशा जलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारे नारायण जी का दिया जो मैंने जला दिया है, और अभी मैंने अपने नारायण जी के सभी स्वरूपों को एक साथ रखा है यहाँ पे। आज एकादशी है ना, तो एकादशी के दिन सबको मैंने एक साथ रखा हुआ है। तुलसी सूखी है, लेकिन बिना तुलसी के हम कान्हा जी को भोग नहीं दे सकते हैं, और नारायण जी को भी नहीं, हम बिना तुलसी के भोग नहीं देते हैं। इसलिए चाहे तुलसी सूखी है, चाहे उसकी एक डंडी है सूखी हुई, चाहे कुछ भी है, पर बिना तुलसी के हम कान्हा जी को भोग नहीं देंगे। तो ये मेरे नारायण जी के नाम का भोग है। मतलब हो गया, मामा पूजा कर रहे जाओ। राधे राधे। तो ये देखिए आज हमारे कान्हा जी यहाँ पे जूस पी रहे हैं। तो कान्हा जी के लिए अभी हमारे यहाँ पे मामा जी आए थे, और मामा जी और पारवा आई थी, तो खूब सारी चीजें लेकर आई है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हमने दिया अपने कान्हा जी को। तो ये देखिए कान्हा जी सबसे पहले यहाँ पे जूस पी रहे हैं आज। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, तो ये देखिए नक्शू का एक्शन। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो ये देखिए अभी मेरे साथ में है नक्शू, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। नक्शू के लिए शूज लाए थे, तो उसको शूज चेंज कराने हैं, और अभी मुझे मंदिर भी जाना है। आज है एकादशी, ठीक है ना, तो एकादशी पे मैं मंदिर जाती हूँ। यहाँ तो गंगा जी नहीं है, लेकिन मंदिर तो जाऊँगी ही कम से कम। कान्हा जी तो हमने अंदर ही रखे हैं, और लेकिन हम दोनों ही जा रहे हैं, तो ये भी कान्हा ही है, तो आज मेरे साथ कान्हा ही जा रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे मार्केट में। अरे उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई, कितनी प्यारी बटरफ्लाई है। हाँ, इसको आंग का पेड़ बोलते हैं, आंग का पेड़ होता है, पता है आपको। ये गणेश जी का पेड़ होता है, ये इसको हम भोलेनाथ जी पे चढ़ाते हैं और गणेश जी पे चढ़ाते हैं। चलो भगना नहीं है बेटा, आराम से चलो। अभी ये अशोक का पेड़ है बेटा। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो 10:30 बजे मैं निकली हूँ मार्केट के लिए। ये देखिए अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, मुझे फूल लेना है भगवान जी के लिए, और थोड़ा सामान लेना है घर के। ये दुकान है धर्मपुर चौक के पास, मंदिर है लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, वहाँ पे है सामने, है ना, लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, तो साईं दरबार आ रहा है। तो अभी मुझे इसी मंदिर में जाना है, आज एकादशी है, तो मैं भगवान जी के दर्शन जरूर करती हूँ, तो इसलिए आज मैं आई हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मंदिर अंदर से कितना खूबसूरत है। देखिए मैं पहली बार इस मंदिर में आई हूँ, और आज वो भी एकादशी के दिन, और नक्श को देखो थक के बैठ गया है। यहाँ पे हमारे कान्हा जी भी हैं, और हमारे राधे कृष्ण जी भी हैं। लड्डु गोपाल को राधे राधे। यहाँ पे माता सरस्वती है, और यहाँ पे हमारे राम सीता और हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, गणेश जी हैं, और यहाँ पे है मेरी भगवती जय बजरंगबली। यहाँ पे माता रानी का पूरा दरबार है। देखिए यहाँ पे माता दक्षिणा काली भी साथ में है, भी भगवान भोलेनाथ शंभुनाथ जी भी साथ में। यहाँ पे देखिए मेरे भोलेनाथ प्रभु जी हैं,
ओम नमः शिवाय हर हर। ये है हमारे साईं बाबा जी, जय हो साईं बाबा जी। ये देखिए, ये है हमारे शनि देव, शनि महाराज। तो इस मंदिर में आके आपको सबके दर्शन होते हैं। माता रानी के यहाँ पे 9 के 9 रूप हैं। प्रथम शैलपुत्र से लेके और अष्टम महागौरी नवम सिद्धिदात्री तक बहुत सुंदर मंदिर है ये। यहाँ पे आपको सबके दर्शन होंगे एक साथ। ये देखिए, और अभी उधर हनुमान जी का भी है, तो अभी मैं हनुमान जी के मंदिर में भी जा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर स्थान है, यहाँ पे आके मन को एकदम शांति मिली है। यहाँ पे है हमारे पंचमुखी हनुमान जी। और वैसे दरवाजा यहाँ से था, यहाँ से हम अंदर जा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे दरवाजा बंद है। तो अभी हम जो दर्शन करेंगे हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी के, तो हम यहाँ से दर्शन करेंगे। तो नक्शू कर रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी की पूजा। फ्रेंड्स, ये है हमारे पंचमुखी हनुमान जी। और आपको एक बात बताऊं, मैं जब से देहरादून आई हूँ ना, तो मुझे पंचमुखी हनुमान जी के ही दर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि मैं जो घर में जो मेरी फोटो आई, वो भी पंचमुखी हनुमान जी की आई। और इससे पहले जो मैं मंदिर गई थी, वहाँ पे भी पंचमुखी हनुमान जी थे। तो ये देखिए, इस तरह से होता है बुलावा। वरना मैंने अभी एक ही मुख वाले हनुमान जी के दर्शन करे थे। पहली बार मैं पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर रही हूँ। बजरंगबली तो अपने अलग अलग रूप में मुझे बुला रहे हैं यहाँ पे। और उधर अंजना माई हनुमान जी की माता जी, और इधर हनुमान जी के पिताश्री हैं केशरी महाराज जी, और यहाँ पे हमारे राम सीता जी हैं। तो जहाँ हनुमान जी होंगे, तो राम सीता तो होगी होगी, है ना। जय बजरंगबली हनुमान। ये देखिए, ये है हनुमान जी का टीका, चमेली का तेल और हनुमानी सिंदूर जो होता है। तो मैं लगा रही हूँ नक्शु के। दिखाओ नक्शु, बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। हमने दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे। और ये है, इतना बड़ा प्रांगण है मंदिर का, और ये बिल्कुल धर्मपुर चौक में है, बिल्कुल मेन रोड पे है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी और पंचमुखी हनुमान जी का, तो यहाँ पे हमें सबके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए कितना सुंदर मंदिर है, एक ही जगह पे हमें सबके दर्शन हो रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान जी ने एकादशी के ही दिन मुझे यहाँ पे बुलाया है, तो अब मैं यहाँ पे हर एकादशी को आऊंगी। और नक्श को देखो, जरा बैठा हुआ वहाँ पे मजे से। और हमें अभी यहाँ से रोड क्रॉस करके उधर वो पूजा की दुकान है ना, वहाँ पे जाना है, क्योंकि अभी मुझे घर के लिए भी फूल मालाएं लेनी है, घर में फूल बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी अभी मेरी मुलाकात यहाँ पे हुई है टेनिस के इंटरनेशनल प्लेयर से। तो सर, आपका नाम क्या है? मैं राजीव नेगी हूँ। राजीव नेगी, तो सर ने अपने आप ही मुझे बोला है कि बच्चों को टेनिस सिखाना। सर कहाँ पे रहते हैं आप? मैं तो मोहिनी रोड पे रहता हूँ। अचानक मुझे सर मिल गया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो अभी हम लोग यहाँ पे सर के साथ ही घर जा रहे हैं। और मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए सर का पूरा किट है यहाँ पे बैग में, ये कार में पूरा किट है, ये देखिए। क्या करें, हम लोग तो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं ना, हम लोगों का ड्रीम ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ट्रॉफी जीती है सर ने। और ये जो ट्रॉफी जीती है उन्होंने, मेंस 14 डबल्स विनर्स है सर यहाँ पे। सर कब हुआ था ये? ये फाइनल था मेरे ख्याल से। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेकंड एमएस हुआ मेमोरियल उत्तराखंड। अच्छा, तो सर ने ये 10-11 अप्रैल को ये वाली ट्रॉफी जीती है। मैंने अभी आपको बताया कि सर इंटरनेशनल प्लेयर है टेनिस के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।